हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। मैं हूं अंकुश तनेजा। अब लॉकडाउन के दौरान वी वर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हुंडई क्रेटा। अब दो वीडियो हम ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं, एक है क्रेटा डीजल का कंप्लीट रिव्यू और दूसरा मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंपैरिजन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सेल्टॉस वर्सेस क्रेटा। आज बारी है एक नए कंपैरिजन की, नई क्रेटा के साथ हम कंपेयर करेंगे एमजी की हेक्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हट तो रही हैं, लेकिन सेफ रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अभी भी बहुत ज़रूरी है। अब हम कम से कम सोशल कांटेक्ट में रहकर आप तक ये स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। अब बिना सोशल कांटेक्ट में आकर गाड़ियां रिसीव नहीं करी जा सकती, इसलिए इसको भी हम जितना अवॉइड कर सकते हैं कर रहे हैं। अब हेक्टर और क्रेटा की बात जो हो रही है, ये दोनों गाड़ियाँ हमारे पास हैं, लेकिन इस कंपेरिजन में हेक्टर का BS4 कम्प्लाइंट स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट हमारे पास है और यही ऑप्शन अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल था। हालांकि BS4 हेक्टर और BS6 हेक्टर के जो पावर फिगर्स हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों के ड्राइव को इस वीडियो में कंपेयर नहीं कर सकते। इन दोनों गाड़ियों के लुक्स, डिजाइन और फीचर्स को इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। अब इन दोनों ही गाड़ियों की पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। तो नई क्रेटा में आप देख चुके हैं इसका जो नया लुक है, फ्रंट में ही आप देखेंगे नया कैस्केडिंग ग्रिल इसमें दिया गया है विद क्रोम एलिमेंट चारों तरफ इसके फ्रंट ग्रिल में आपको देखने को मिलेगा। और ये नई ट्रियो LED हेडलाइट्स आपको इसमें दी गई हैं विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। और आप देखेंगे यहाँ पर ये नया एलिमेंट बहुत देखने में अच्छा जरूर लग रहा है। तो फ्रंट से कुछ क्रेटा ऐसी दिखती है अब। हालांकि हेक्टर का जो लुक है वो भी कमतर नहीं है, हेक्टर भी सामने से काफ़ी सुंदर दिखने में लगती है। जो इसका फ्रंट का एलिमेंट है, ग्रिल देखेंगे, क्रोम का एलिमेंट थ्रू आउट इसमें दिया गया है। यहाँ पर भी इसके बम्पर में भी आप देखेंगे फॉग लैंप से आसपास, यहाँ पर आपको क्रोम का एलिमेंट इसमें भी देखने को मिलेगा। साइज से बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में जो टायर्स दिए गए हैं वो सेम साइज़ के टायर्स हैं। अब हालांकि एक चीज़ जो हेक्टर में कमी शुरुआत से लगती थी कि इसके टायर्स इसकी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से छोटे लगते थे, जो कि वैसे ही हैं अभी भी, लेकिन जो क्रेटा में टायर्स दिए गए हैं वो इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से एकदम फिट बैठते हैं। 17 इंच के टायर्स हैं 215 सेक्शन के, दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिस इज़ दी टर्बो वेरिएंट और ये जो है इसका हेक्टर का स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ड्यूअल टोन एलिमेंट दिया गया है क्रेटा में, यहाँ पे रेड और ब्लैक का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके रूफ रेल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया, और ये रूफ रेल इधर आपको यहाँ पे ये भी ब्लैक टोन में दी गई है, जबकि आपको जो हेक्टर में रूफ रेल दी गई है वो इस वाइट में आपको सिल्वर रूफ रेल देखने को मिलेगी, ये आपको टोन इसमें दिया गया है। तो ये साइड से कुछ इस तरह से दिखती हैं। अब प्रोपोर्शन में यस, हेक्टर ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है साइज़ में, स्पेस आपको उसमें ज़्यादा मिलता है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके पीछे की लुक्स पर भी। पहले क्रेटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बड़ी सी प्रोमिनेंट क्रेटा की बैजिंग दी गई है, ट्रियो पैटर्न में इसकी LED टेल लाइट्स दी गई हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये एक बीम दिया गया है जो कि इसके टेल लाइट्स को यहाँ पर पीछे जोड़ता है। लुक्स के हिसाब से मैं कहूँगा कि पर्सनली मुझे, अब लुक्स सब्जेक्टिव हैं, लेकिन पर्सनली मुझे क्रेटा का जो स्टांस है, ओवरऑल जो फील है इस गाड़ी के लुक्स की, वो मुझे थोड़ी स्पोर्टी लगती है। अब इस बात करें हेक्टर के रियर की, तो इसमें भी आपको पूरा LED क्लस्टर दिया गया है पीछे, वही बीम आपको यहाँ पर थोड़ी चौड़ी दी गई है, यहाँ पर आपको क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा इधर इसमें, यहाँ बड़ी सी MG की बैजिंग और हेक्टर की बैजिंग आपको पीछे दी गई है। सेंसर्स हैं पीछे इसमें, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है इस वेरिएंट में, दिस इज़ दी हाइब्रिड वेरिएंट एज वी टोल्ड यू बिफोर। सो ये कुछ लुक्स में कुछ इस तरह से ये दोनों गाड़ियाँ दिखती हैं। अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के अंदर और देखते हैं दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं। तो क्रेटा में आपको ये देखेंगे ये अंदर इसके फीचर्स और जो इसमें आपको तामझाम देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले ये बड़ा सा स्क्रीन आपको इधर दिया गया है सेंटर में ही, और ये टच स्क्रीन है जो कि काफ़ी फंक्शंस के साथ, फीचर के साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें। फ़ोन कनेक्टिविटी, ब्लू लिंक, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, एयर प्योरीफायर के ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और वॉइस कमांड के ऑप्शन भी आपको इसमें दिए गए हैं, और फंक्शनिंग भी काफ़ी स्मूथ आपको इसका लगेगा जब आप इसको ऑपरेट करेंगे।
उसी के नीचे कुछ बटन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सिल्वर टोन में दिए गए हैं। यहाँ पर सेंटर में नॉब दिया गया है और ये बटन्स भी आपको कन्वीनियंट फीचर की तरह आपको यूज़ करने में लगेंगे जब आप ड्राइव कर रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू वांट टू गो टू मीडिया और रेडियो और चेंज द ट्रैक, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको इधर दिया गया है। देन थोड़ा नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिखेगा, यहाँ पर भी आपको वही सिल्वर एक्सेंट बटन में देखने को मिलेगा। अब ये जो वेरिएंट है टर्बो वेरिएंट है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ दी 7-speed DCT वेरिएंट, और ये आपको यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इधर यहाँ पर पार्किंग ब्रेक्स दी गई हैं, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक्स हैं, और इधर आपको इस जो वेरिएंट में है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट के लिए। तो ये काफ़ी नया और काफ़ी अच्छा फीचर आपको यूज़ करने में लगेगा, जब स्पेशली हमें इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब हुंडई ने इस नई क्रेटा में ये फीचर वेंटिलेटेड सीट्स वाला दिया है। यहाँ पर आपको ड्राइव ट्रैक्शन के ऑप्शन दिखेंगे, 3 ड्राइव मोड हैं, 3 ट्रैक्शन मोड्स हैं इसमें, ये सब आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये जो नॉब इधर दिया गया है। फिर बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग पे भी आपको वॉइस कमांड मोड चेंज करने के ऑप्शन, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट, आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फ्रॉम हेयर। यहाँ पर भी इसका बटन इधर आपको देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर है वो इसका आपको डिजिटल दिया गया है। फिर बात करें सीट्स की, तो लेदर सीट्स आपको इसमें दी गई हैं एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं एज आई टोल्ड यू, और सीट्स भी अभी फ़िलहाल बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छी आपको इनकी कुशनिंग बैठने में लगेगी। और बीच में आपको ये आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट है, यहाँ पर भी कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं। एंड एयर प्योरीफायर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वेंट दिया गया यहाँ पर कि एयर प्योरीफायरिंग के लिए दिया गया है। एंड इधर भी आपको ये उसकी स्क्रीन मॉनिटरिंग के लिए दी गई है। नाउ द AQI इज शोइंग 91 जो कि अभी दिखा रहा है। इधर आपको मिलता है इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, इधर आप देखेंगे, और इधर आपको 2 USB कनेक्टर्स विद अ 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सो ये सब कुछ इसकी फ्रंट रो में आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स गो टू द हेक्टर्स फ्रंट रो और देखते हैं उसमें आपको क्या फीचर्स दिए गए हैं हेक्टर में। तो सबसे बड़ा इसका टॉकिंग पॉइंट जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, इसका ये टैबलेट, बड़ा सा टैबलेट आपको इसमें दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इधर इसमें भी आपको फीचर्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, गाना ऐप वगैरह जैसे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। वॉइस कमांड्स के फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो गाड़ी है ये स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन है, तो इसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन जो इससे एक ऊपर जो वेरिएंट है उसमें आपको सनरूफ मिलती है। और फील की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा लेदर स्टिच दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा, और प्लास्टिक फील भी प्रीमियम के आसपास मैं कहूँगा आपको इसमें देखने को मिलेगा। इधर बात करें तो यहाँ पर स्टीयरिंग की, तो ये भी आपको लेदर स्टिच स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पर भी आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है, इसमें वॉइस कमांड का ऑप्शन है, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट ट्रैक आगे पीछे करने का ऑप्शन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिस्प्ले जो है वो आपको इसमें छोटा सा MID दिया गया है, और साथ में जो इसका टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है वो आपको मैनुअल दिया गया है। जो इसके डोर्स की क्वालिटी है वो भी आपको प्लास्टिक की अच्छी खासी मिलेगी। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है, क्रोम का भरपूर इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। एक्सटीरियर में हमने आपको दिखाया कि काफ़ी क्रोम आगे पीछे साइड में यूज़ किया गया है इसमें। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक टच आपको देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। सीट्स भी इसकी आप देखेंगे लेदर स्टिच सीट्स हैं, और ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स आई वुड से, अभी मैं बैठा हूँ, चलाया भी मैंने इस गाड़ी को, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल ड्राइव ये आपको गाड़ी में लगेगी। सो नई Hyundai Creta की पिछली कतार में मैं बैठा हूँ, और यहाँ पर स्पेस की बात करें तो मेरी हाइट एवरेज हाइट है, 5'9" हाइट है मेरी, तो मुझे स्पेस की कमी यहाँ नहीं लग रही है। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, तो काफ़ी अच्छा लेगरूम यहाँ पर मुझे मिल रहा है, और थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसे बैठेंगे तो देन इट विल बी फाइन। अगर आप ज़्यादा लंबे नहीं हैं तो आप थोड़ी टांगे स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बट अगर आप लंबे हैं और आपको ऐसे बैठना पड़ रहा है तो आपको थाई सपोर्ट की कमी थोड़ी बहुत महसूस होगी। सेम सीट्स लेदर सीट्स पीछे आपको देखने को मिलेंगी, प्रीटी कंफर्टेबल आई वुड से, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको लेदर स्टिच सीट्स देखने को मिलेगा विद दी रेड बीडिंग इन दी कॉर्नर्स, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है बिकॉज ऑफ दैट। एंड यहाँ पर आपको ये बीच में आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, और साथ में आपको एक कुशन भी दिया गया है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, और एक कुशन रिमूव भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको पीछे वाली सवारियों के लिए मिलेगा। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर पीछे AC वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट दिया गया है, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह इधर आपको पीछे इधर देखने को मिलेगी। तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, बोस के स्पीकर्स आपको इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको सामान रखने की जगह, 1 लीटर की बॉटल आसानी से
इसके डोर पैच में आ जाएगी। यहाँ भी कुछ सामान रखने की जगह आपको साइड में दी गई है। सो काफ़ी फीचर लोडेड ये गाड़ी है। आप चलते हैं हेक्टर की पिछली कतार में और देखते हैं वहाँ पर क्या मामला है MG हेक्टर के अंदर। तो स्पेस पीछे आप देखेंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। आप अगर ऐसे ही बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, इतना स्पेस आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगा। रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर, और ये 5 वोल्ट का USB पॉइंट दिया गया इधर, और नीचे आपको कुछ सामान रखने की जगह इधर भी दी गई है। और वही आपको टच एंड फील, वही आपको लुक एंड फील आपको पीछे भी देखने को मिलेगी। पियानो ब्लैक विद सिल्वर एक्सेंट्स और इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम इस आपको MG हेक्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पीछे आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे पीछे आपको इस हेक्टर में दिए गए हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए भी एक नज़र डालते हैं दोनों गाड़ियों के कुछ ऐसे फीचर्स को आमने सामने रखकर जो हेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन क्रेटा में नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो क्रेटा में हैं और आपको हेक्टर में नहीं मिलेंगे। तो जैसे हेक्टर में आपको एयर प्यूरीफायर नहीं मिलता, लेकिन आपको 2020 नई क्रेटा जो आई है इसमें आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है। फिर बात करें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आपको नई क्रेटा में मिलती हैं, हेक्टर में नहीं मिलती। नई क्रेटा में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, कम्फर्टर, स्पोर्ट, जो कि हेक्टर में नहीं मिलते। और क्रेटा में ही आपको 3 ट्रैक्शन मोड्स में मिलते हैं, मड, स्नो, वेट, सैंड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सब फीचर्स आपको हेक्टर में अवेलेबल नहीं हैं। फिर बात करें कुछ ऐसे और फीचर्स हैं जो आपको दोनों गाड़ियों में अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि हेक्टर में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है उसके कुछ वेरियंट्स में जो आप क्रेटा में नहीं मिलती। रिमोट इंजन स्टार्ट इन मैनुअल ट्रांसमिशन आपको क्रेटा में मिलेगा लेकिन आपको हेक्टर में नहीं मिलेगा। रियर हेडरेस्ट पे कुशंस क्रेटा में एक नई चीज़ दी गई है इस सेगमेंट में, जो हमें गाड़ियों में देखने को नहीं मिलती है, वो आपको इसकी रियर सीट्स में हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे जो हेक्टर में नहीं है। क्रेटा के टर्बो वेरिएंट में आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिलेंगे और हेक्टर में वो आपको नहीं मिलते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको हेक्टर में मिलता है, जो कि आपको हुंडई की नई क्रेटा में नहीं मिलता। एक और फीचर जो है, आखिरी फीचर जो आपको क्रेटा में नहीं मिलता और हेक्टर में मिलता है, वो है कॉर्नरिंग लाइट्स। तो ये तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दोनों गाड़ियों में थोड़े बहुत अलग थलग मिलेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे फीचर्स हैं दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में मिलेगा। ABS, EBD, ESP ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। हेक्टर में आपको वर्टिकल देखने को मिलेगा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और क्रेटा में आपको ये आपको हॉरिजॉन्टल दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं, और दोनों ही इंजन इन गाड़ियों के BSS कंप्लाइंट अब मार्केट में अवेलेबल हैं। हुंडई क्रेटा की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और जो इसमें पावर है जो ये 1.5 लीटर जनरेट करता है दैट इज़ 115 BHP, और टॉर्क जो है इससे आपको वो मिलता है 144 न्यूटन मीटर। फिर टर्बो जो पेट्रोल है क्रेटा का वो देता है 140 BHP ऑफ पावर और 242 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और हुंडई क्रेटा में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT और CVT का विकल्प पेट्रोल वेरिएंट्स में मिलेगा, और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है 1.5 लीटर पेट्रोल की वो है 16.8 किलोमीटर पर लीटर, और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल में जो ऑप्शन है वो आपको माइलेज देंगे 16.9 किलोमीटर पर लीटर और 16.8 किलोमीटर पर लीटर की। MG हेक्टर में दूसरी तरफ आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, और पेट्रोल में ही आपको हाइब्रिड का विकल्प भी MG हेक्टर ने दिया है। तो 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो देगा 140 BHP ऑफ पावर और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो आपको देगा 140 BHP ऑफ पावर और सेम 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT का ऑप्शन अवेलेबल होगा, और माइलेज जो आपको ये 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएंट देगा वो देगा 14.16 किलोमीटर पर लीटर, और जो हाइब्रिड के दो ऑप्शन हैं वो आपको माइलेज देंगे 13.96 किलोमीटर पर लीटर और 15.81 किलोमीटर पर लीटर। फिर डीजल इंजन की बात करें तो क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का CRDI इंजन, जो उनका इंजन है, वो आपको इसमें दिया गया है 115 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये देता है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। मैनुअल में 21.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज और ऑटोमेटिक में आपको 18.4
5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिलेगी। हेक्टर में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा और आपको ये पावर देगा 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको जनरेट करेगा। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलेगा, ऑटोमेटिक का विकल्प नहीं है। माइलेज इससे आपको 17.4 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी। कीमतें जानने से पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि हेक्टर ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है, लेकिन आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं। क्रेटा की जो लेंथ है वो है 4300 मिलीमीटर, हेक्टर की है 4655 मिलीमीटर। चौड़ाई जो है वो क्रेटा की आपको 1790 मिलीमीटर और हेक्टर में आपको 1835 मिलीमीटर। क्रेटा में आपको हाइट मिलेगी 1622 मिलीमीटर और हेक्टर में 1760 मिलीमीटर। तो व्हील बेस जो है क्रेटा में आपको दिया गया है 2610 मिलीमीटर्स का और हेक्टर में, लंबी गाड़ी है ये, 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको हेक्टर में देखने को मिलेगा। ड्राइविंग के दौरान सीटिंग कंफर्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको अच्छा खासा मिलता है, लेकिन क्रेटा में आपको वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। वो वजह है सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन आपको हेक्टर में थोड़ा स्टिफ दिखने को मिलेगा और जब आप थोड़ा तेज रफ्तार पे होते हैं, अगर खड्डे वगैरह या ब्रेकर्स वगैरह आते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा अनईजी फील होगा अगर आप हेक्टर में ड्राइव कर रहे हैं। वहाँ क्रेटा में आपको वो गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और स्पोर्टी फील होगी जब आप उसको चला रहे होंगे हाईवे पर। ब्रेकिंग भी आपको दोनों गाड़ियों में प्रिसाइज और सटीक मिलेगी। अब बूट स्पेस की बात करें इस क्रेटा की, तो इसमें आपको जो बूट स्पेस दिया गया है दैट इज़ अराउंड 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एमजी हेक्टर की बात करें तो ये आपको मिलता है 587 लीटर्स का। यस, ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है तो बूट स्पेस भी आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। So as we told you in the beginning that this is the 7-speed DCT variant of Hyundai Creta and this is the smart hybrid manual variant of MG Hector. तो इन दोनों गाड़ियों की ड्राइव को प्रैक्टिकली हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन MG Hector की जो ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरियंट है उसको हमने पहले ड्राइव किया हुआ है, तो अगर उसको अगर कंपेयर करें Hyundai Creta की 7-speed DCT से, तो मुझे लगता है कि जो Hyundai Creta का DCT वेरियंट है ये टर्बो पेट्रोल वाला, ये आपको स्पोर्टियर और पंचियर आपको ज़रूर फील ज़्यादा कराएगा MG के जो ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरियंट है उसके मुकाबले। अब एक जगह क्रेटा और जहां बाजी मारती है वो है इसकी शुरुआती कीमतें। जी हाँ, 9.99 लाख से ये स्टार्ट हो रही है और जाती है 17.2 लाख एक्सशोरूम तक। वहीं MG Hector की कीमतों की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही है 12.73 लाख एक्सशोरूम से और जाती है 17.72 लाख एक्सशोरूम तक। लेकिन अगर आपके लिए एक स्पेस ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है तो आपके लिए हेक्टर एक बेहतर विकल्प है। अगर हम हेक्टर के स्पेस वाले एलिमेंट को अलग करके अगर सोचें, इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने रखें और ओवरऑल इनके जो लुक्स, डिज़ाइन, फीचर्स, इंजन ऑप्शंस हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि वहाँ पर स्पेस को अगर हटा दें तो क्रेटा वहाँ पर एक कदम आगे ज़रूर दिखती है।